असलमैल हेलो गाइज़ गुड मॉर्निंग तो दोस्तों आज फिर हम ट्रैवल करने लगे हैं और मेरे साथ मौजूद है हाईएस्ट ड्राइवर नज़ीर ख़ान जो कि हमारे गांव से है तो हाईएस्ट हमने बुक करवाया है स्पेशली बच्चों के लिए यानी कि ये बच्चों का ट्रिप है आप देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है तो माशाला सुबह सुबह का टाइम है तो हमारा सफ़र हमने शुरू किया अपना सवाबिक के इलाके से यानी कि अम्बार की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मोटरवे को यूज़ करता हुआ हम आगे सफ़र करेंगे और आपको बताते हैं आगे कहाँ पे जाना है उससे पहले हम यहाँ पे पेट्रोल भरवाते हैं यानी कि जैसा कि आपको बताया कि पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि सहरा में ऊँट को ले जाने से पहले उसमें पानी स्टोर किया जाता है यानी कि स्टोरेज का जो सिस्टम है वो ऊँटों में होता है उसी तरह गाड़ी में भी स्टोर करते हैं पेट्रोल को जहाँ पर भी आप ले जाओ उससे पहले आप पेट्रोल भरवा दिया करें तो माशाला हमारा यहाँ पर सफर शुरू होता है अंबार इंटरचेंज से यानी कि मोटरबाइक को यूज़ करता हुआ हम आगे मोटरवे पर सफ़र करेंगे तो शुक्र है कि मोटरवे खुला था यानी कि काफ़ी दिन की वजह से मोटरवे ग्यारह बजे तक बंद होता है तो माशाल्लाह साढ़े नौ बजे तक का ये मौसम क्लियर हो गया था इस वक्त हमारा जो सफ़र है वो मोटरवे पर जारी है और ये हमारा दरिया सिन के पुल से गुजरता हुआ हम आगे बढ़ रहे हैं मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं तो हमारा आज इस्लाबाद जाने का मकसद है यानी कि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हमारे भाई की फ्लाइट यानी कि मदर आ रहे हैं भाई आ रहे हैं विज़िट पर गए हुए थे सऊदी अरब तो माशा इस वक्त हम इंटर हो चुके हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये बहुत ख़ूबसूरत एयरपोर्ट है यानी कि न्यू एयरपोर्ट है इस्लामाबाद का और काफ़ी रकबा इन्होंने घेरा हुआ है और काफ़ी ख़ूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया माशाल्लाह मुझे तो बहुत पसंद आया काफ़ी ख़ूबसूरत एयरपोर्ट है और हमारा सफ़र आगे जा रही है तो इससे पहले कि यहाँ पे हम सिक्योरिटी चेकिंग करवाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम अपना एयरपोर्ट की तरफ अंदर की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले यहाँ पे यह पार्किंग है पार्किंग में गाड़ी को हम कहाँ सेफ जगह में रुकाते हैं यानी कि वहाँ पे नज़दीक से जगह ढूँढे क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं ये बच्चों का ट्रिप है जैसा कि आपको बताया तो ताकि बच्चों को, को कोई मुश्किल ना हो दूर सफ़र ना करना पड़े तो यहाँ पे टूल यानी कि पे कर दिया है हमने आ, पार्किंग का और अभी यहाँ से नज़दीक से जगह हमें मिल गई है और नज़दीक जगह यानी कि एयरपोर्ट के साथ ही हमें पार्किंग मिल गई है तो बच्चे तो बड़े खुश हैं यानी कि आप देख सकते हैं इसमें बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं इन्होंने कहा कि हमें यानी कि जहाज़ पे बैठना है ये इनको एयरपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है ये इसी वजह से आया कि हमें जहाज़ पे बैठना है तो अब हम जहाज़ में तो इनको बिठा नहीं सकते तो यहाँ पर हमारी आ, दो फ्लाइटें आनी थी तो माशाल्लाह एक फ़्लाइट तो हमारे पहुँच गई है तकरीबन साढ़े दस बजे फ्लाइट लैंड की है पीआईए की परवाज़ थी और पीआईए की परवाज़ साढ़े दस बजे यहाँ पे पहुँच गई है तो अब यहाँ पर सामान जो है वो हम गाड़ी में रखवाते हैं ये सामान देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लाइट हमारी साढ़े बजे पहुँची और सामान जो है गाड़ी में रखवा देते हैं तो बच्चों को बता रहा था कि बच्चे तो कह रहे हैं कि हमें जहाज़ पे बैठना है तो अब जहाज़ पे तो उनको बिठा नहीं सकते थे तो इसी वजह से आप देखें कि हमने उनके साथ किस तरह जो है वो गेम खेला है किस तरह उनको जहाज़ में बिठाया है और कौन से जहाज़ में हमने बिठाया तो अब सेकंड फ्लैट के इंतज़ार में बच्चे भी खुश थे बच्चों ने फिर से इन्जॉय करना शुरू कर दिया है तो उससे पहले यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि हमने जो है बच्चों को यहाँ पर दौड़े लगवाई है ताकि यह थक जाए किसी तरह किसी तरीके से हम इनको वो कर रहे थे इनका जहन की जो है जहनसाजी कर रहे हैं थे कि ये जहाज़ की जो है वो डिमांड ना करे फिर भी खैर बच्चे तो फिर बच्चे इनको जहाज़ में बैठना था जहाज़ देखना था तो माशाल्लाह यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाज़ को जहाज़ तक तो यहाँ पे पहुँचा दिया यहाँ पे जहाज़ नजर आ रहा है लेकिन इन्होंने काफ़ी टाइम इसको देखने के बाद बोर हो गए फिर कह रहे हैं कि हमें जहाज में बैठना है फिर हमने ये देख सकते हैं जो सामान का रेडी होता है और उस पर हमने बिठा दिया ताकि इससे भी ये खुश हो जाए तो तकरीबन आधा घंटा इस पर भी इन्होंने काफ़ी चक्कर लगाई है काफ़ी इधर उधर दौड़ लगाई है तो इस पर भी टाइम गुजारने के बाद फिर भी इनका दिल नहीं भरा और फिर कह रहे हैं कि ज़िद कर रहे हैं कि हमें जहाज़ पे बैठना है तो काफ़ी भूखे भी हो गए थे तो हमने घर में से ही जो है अपने लिए बिरयानी पका के लेके आए थे तो अभी इनको खाना खिला दें यहाँ पे बिरयानी खिला दें उसके बाद फिर सेकंड फ्लाइट के इंतज़ार में हैं तकरीबन य तीन करने के, के फ़्लैट थी तो बच्चों की नज़र पड़ी लेफ्ट पर तो लेफ़्ट में जो है इन्होंने फिर इंजॉय किया इसको ही जहाज़ समझने लगे हैं और इसी पर ही अपना काफ़ी टाइम गुजारने के बाद वहाँ पे सेकंड फ्लैट भी पहुँच गए तो टाइम भी हमारा ओवर हो गया तो बच्चे भी बड़े खुश थे इन्जॉय कर रहे थे इस एयरपोर्ट के ट्रिप को तो बच्चों को हमने फिर जो है वो खुश करा दिया यानी कि फिर मान गए कि हमने जहाज़ में बैठ गए फाइनली तो अब हमारा ये ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़